हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं आज टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2021 में सभी विजेताओं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन की विजेताओं की लिस्ट बताऊंगी, उनके नाम। एंड दोस्तों, 2022 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में मैं बता चुकी हूँ, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, कभी कभी एक साल पीछे का पूछा जाता है, तो आपको 2022 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए 2021 2022 का आपको याद रखना जरूरी है। तो 2022 का मैं बता चुकी हूँ, 2021 का सभी विजेताओं के बारे में इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता क्या है। जैसा कि दोस्तों, टेनिस खेल में एक साल में चार बड़े टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, जिसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहते हैं। और इन एक वर्ष में चारों टूर्नामेंट को जो जीतता है उसको ग्रैंड स्लैम की उपाधि दिया जाता है। ये चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते कौन है? ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 से हुआ एंड फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुआ, और विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुआ एंड यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुआ। इसमें सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन, जो 1877 में शुरुआत हुआ। एंड सबसे पहले दोस्तों होता है वर्ष के सबसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन, इसको तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पुराना कौन है? तो 1877 में विंबलडन ओपन। और सबसे पहले शुरुआत किसका होता है वर्ष के पहले? सबसे पहले शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो जनवरी फरवरी माह में शुरुआत होता है, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी महीने में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है एंड फ्रेंच ओपन मई जून के महीने में एंड विंबलडन ओपन जून जुलाई में एंड यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। एंड जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है यानी मिट्टी के कोर्ट पर, एंड विंबलडन ओपन जो होता है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, एंड यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है एंड फ्रेंच क्ले कोर्ट पर एंड विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर। एंड इन सब का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न पार्क में ऑस्ट्रेलिया में होता है एंड फ्रेंच ओपन जो है वह पेरिस के स्टेट रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम में होता है। फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी बोला जाता है। एंड विंबलडन ओपन जो है वह ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एवं क्रॉकेट क्लब लंदन में आयोजित होता है एंड यूएस ओपन जो है वह न्यूयॉर्क के फ्लसिंग मीडोज पब्लिक पार्क के यूएसटीए विली जीन किंग नेशनल सेंटर में खेला जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 2021 में सभी विजेताओं के बारे में। कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं 2021 तक में जो भी रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि पुरुष एकल में अभी तक में 2021 तक में राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, इन तीनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, जो सर्वाधिक पदक पाने वाले हैं। एंड महिला एकल में सर्वाधिक पदक पाने वाली है मार्गरेट कोर्ट 2021 तक में, ये ऑस्ट्रेलिया की है, 24 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। एंड दूसरे स्थान पर है सेरेना विलियम्स, जो यूएसए की हैं और 23 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। अब बात करते हैं 2021 में ग्रैंड स्लैम विजेता की। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष एकल विजेता। पुरुष एकल विजेताओं को याद करने का ट्रिक है दोस्तों, ट्रिपल एन डी। क्या है? ट्रिपल एन डी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं 2021 के नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं, एंड फ्रेंच ओपन के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, विंबलडन ओपन के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। एंड इस प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तीनों के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं, एंड यूएस ओपन के विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में यूएस ओपन जीता है, और ये तीनों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तीनों को जीता है नोवाक जोकोविच ने 2021 का खिताब। एंड ट्रिपल ट्रिपल एन डी, ये आपका ट्रिक बेहद
बेस्ट है ट्रिपल एन से हो गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तीनों के विजेता है नोवाक जोकोविच। डी से हो गया यूएस ओपन के विजेता डेनियल मेदवेदेव। अब बात करते हैं महिला एकल विजेता 2021। महिला एकल में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता है नाओमी ओसाका जापान की। दोस्तों महिला एकल को याद करने का ट्रिक है एनबीईई, एनबीईई, एन से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता है नाओमी ओसाका जापान की। एंड फ्रेंच ओपन विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की। बी से हो गया। एंड ई से हो गया आपका विंबलडन ओपन की विजेता है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। एंड फिर ई से हो गया आपका यूएस ओपन की विजेता है एम्बा राडुकानु ब्रिटेन की। एंड ए तो हो गया महिला एकल पुरुष एकल विजेता। एंड अब बात करते हैं पुरुष युगल और महिला युगल विजेता की। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष युगल विजेता, जो दो दो खिलाड़ी होते हैं एक एक तरफ। तो पुरुष युगल में पुरुष पुरुष होते हैं, महिला युगल में महिला महिला होती हैं। तो पुरुष युगल विजेता की बात करते हैं, तो पुरुष युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता है फिलिप पोलसेक स्लोवाकिया के, और इवान डोडिग क्रोएशिया के। एंड फ्रेंच ओपन के विजेता है पुरुष युगल के पियरे ह्यूगस हर्बर्ट फ्रांस के, और निकोलस माहुत फ्रांस के। एंड विंबलडन ओपन के विजेता है पुरुष युगल के निकोला मेकटिक और मेटे पाविक क्रोएशिया के। एंड यूएस ओपन 2021 पुरुष युगल के विजेता हैं जो सालिसबरी यूके के, और आर राम अमेरिका के। अब बात करते हैं महिला युगल 2021 की विजेता में ऑस्ट्रेलियन ओपन में है डलिस मर्टेस बेल्जियम की, और एरिना सबैलेनका बेलारूस की। एंड फ्रेंच ओपन महिला युगल की विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की, और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की। एंड विंबलडन ओपन की महिला युगल विजेता हैं 2021 की हसीह सू वेई चीन की, और एलिमा मर्टेस बेल्जियम की। ठीक है। एंड यूएस ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता, महिला युगल की विजेता है सामंथा स्टोसुर ऑस्ट्रेलिया की, और झांग सू आई चीन की। इस प्रकार हमने जाना दोस्तों कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या है, और अभी 2021 तक में कौन सर्वश्रेष्ठ विजेता है, एंड 2021 में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल में विजेता कौन है इन चारों टूर्नामेंट में। तो आई होप कि दोस्तों सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।